कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। प्रेम जिसके गीतों में मुस्कुराता है, जहाँ प्रेमी ख्यालों में ही अपनी प्रेमिका को मूर्त रूप देता है। प्रेमिका ये सितारों से उतरकर अपने प्रेमी से मिलन को जमीन पर आ जाती है, वो साहिर है। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी चांदनी के हसीन रथ पे। जिसके गीतों में नन्हे फरिश्तों की किलकारियां गूंजती हैं, चांदनी रथ पे सवार होकर नन्ही कलियां माँ की गोद में उतर आती हूँ, वो साहिर हैं। ये देश हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। उसके गीतों से साफ झलकता है कि उसका देश प्रेम कितना गहरा है। जो भारत को दुनिया का गहना समझता हो, वो साहिर है। उसके गीतों में नव क्रांति की पुकार है, अंधेरी काली रातों पर उषा की लालिमा के आसार हैं, वो साहिर है। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। साहिर यानी जादूगर, वाकई वो शब्दों की जादूगर ही थे। उर्दू कवि, शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी का जन्म 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। उनके पिता फजल मोहम्मद एक जमींदार थे। उन्होंने 12 औरतों से विवाह किया। साहिर उनकी 11वीं पत्नी बेगम सरदार के बेटे थे। साहिर के बचपन का नाम अब्दुल हई था। जब वो 13 साल के थे, तब उनके माता पिता के बीच अनबन हो गई और दोनों अलग हो गए। साहिर ने अपनी माँ के साथ रहने का फैसला किया। महज 13 साल की उम्र में ही साहिर अपनी ज़िंदगी के तलखियों से वाकिफ होने लगे थे। साहिर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने SC धवन महाविद्यालय में दाखिला लिया, जहाँ उन्हें निष्कासित कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसको लेकर कई अफवाहें हैं। साहिर के जानकार शमीम खान बताते हैं। लुधियाना के कॉलेज में जब साहिर थे, तो उनका इश्क परवान चढ़ा अमृता के साथ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम की। चूंकि इन दोनों का प्यार परवान इतना चढ़ चुका था कि लोगों की जुबान पर था। उस वक्त कॉलेज में हर एक जानता था साहिर और अमृता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चूंकि साहिर एक गरीब फैमिली से आते थे और अमृता प्रीतम एक बड़ी अमीर फैमिली से आती थी, तो इन दोनों के प्यार को किसी ने भी कबूल नहीं किया और अमृता के घर वालों ने दबाव डाला कॉलेज प्रशासन पे। साहिर 1943 में लाहौर चले गए और उसी साल लाहौर में उनकी पहली किताब तलखियां प्रकाशित हुई। उर्दू में लिखी 67 गीतों और गजलों की इस किताब को लोगों ने बेहद पसंद किया। उनके जीवन काल में ही तलखियां के 25 संस्करण केवल दिल्ली से प्रकाशित हो चुके थे, जिसमें 14 हिंदी के थे। इसके अलावा रूसी, अंग्रेजी और कई अन्य भाषाओं में भी इसका संस्करण प्रकाशित हुआ। उन्होंने लाहौर में ही बहुचर्चित उर्दू पत्रिका शाहकार, आदाब ए लतीफ, सवेरा आदि पत्रिकाओं का संपादन शुरू किया। एक संपादक के रूप में वो पाकिस्तानी सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करते थे। आवाज ए आदम उनकी एक नज्म थी, जिसके जरिए उन्होंने सरकार को ये चेतावनी दे डाली कि यदि उसने अपना रवैया नहीं बदला तो जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। साम्यवाद से प्रेरित उनके कई विवादित बयानों के कारण पाकिस्तानी सरकार ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। साहिर 1949 में अपनी माँ के साथ दिल्ली लौट आए। थोड़े ही दिनों में उन्होंने मुंबई का रुख किया, क्योंकि फिल्मों के लिए गीत लिखना उनका सपना था। साल 1950 में फिल्म आज़ादी की राह पर से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म की असफलता ने उन्हें निराश कर दिया। इसके बाद उन्होंने 1951 में SD वर्मन के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म नौजवान के लिए गाना लिखा। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया, गीत सफल रहा। गुरुदत्त के निर्देशन में बनी पहली फिल्म बाजी
गीतकार के रूप में साहिर की पहली फिल्म थी। इसका एक गीत बेहद लोकप्रिय हुआ था और उनकी पहचान एक गीतकार के रूप में बनने लगी थी। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। एसडी वर्मन से साहिर की मुलाकात का भी एक किस्सा बड़ा मशहूर है, सुनते हैं यूनुस खान की जुबानी। काफी टकराव था, बात बात पर दोनों की बहस हो जाया करती थी। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि फिल्मबाजी के लिए जब साहिर ने गजल लिखी तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले अपने पे भरोसा हो तो ये दांव लगा ले, अब गजल के व्याकरण में लिखी गई इस रचना को साहिर ने एक उछाल भरे गाने में बदल दिया और उनका जो म्यूजिक अरेंजमेंट था वो काफी उस जमाने के हिसाब से मॉडर्न था। साहिर को ये पसंद नहीं आया था और उन्होंने इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन एस डी वर्मन नहीं माने और उन्होंने कहा कि भाई इस गाने को इसी तरह बनना चाहिए, फिल्म की जरूरत के मुताबिक ये सही है। साहिर और एस डी वर्मन की जोड़ी बेहद लोकप्रिय हुई। 1951 से लेकर 1957 तक साहिर और वर्मनदा की जोड़ी ने 15 से भी ज्यादा फिल्मों में हिट गाने दिए। उन्हीं के साथ साहिर ने 1957 में आई फिल्म प्यासा के गाने लिखे जिसने उन्हें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जिन्हें नाज है हिंद पर हम आपकी आंखों में जैसे गानों ने तो धूम ही मचा दी। कहते हैं कि जिन्हें नाज है हिंद पर गाना सुनकर जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थी। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। साहिर ने अपने गीतों में समाज की समस्याओं और आम इंसान की मजबूरियों का सशक्त चित्रण किया जो दर्शकों के दिलों को छू जाता है। साहिर ने जब लिखना शुरू किया तब इकबाल, फैज, फिराक, मजरू सुल्तानपुरी जैसे बेहतरीन शायर अपनी बुलंदी पर थे, लेकिन साहिर ने अपना एक अलग ही लहजा अपनाया। उससे उन्हें पहचान तो मिली ही, साथ ही वे शायरी की दुनिया पर छा गए। यूनुस खान बताते हैं, जो बात उन्हें बाकी गीतकारों से अलग बनाती है वो है फिल्मी गीतकारी के दायरे में उन्होंने ऐसे गीत रचे हैं जो समाज की विसंगतियों की बात करते हैं, जैसे ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, या औरत ने जन्म दिया मर्दों को, ये गर्लफ्रेंड फिल्म का एक गाना है बच्चों तुम्हें सुनाते हैं पैसों की कहानी। इस तरह की कई ऐसे गाने हैं जहां साहिर समाज में फैली विसंगतियों पर कड़ा प्रहार करते हैं। फिल्मी गीतों के दायरे में ये सबसे मुश्किल काम था जो साहिर ने किया। एस डी बर्मन के अलावा साहिर की जोड़ी कई अन्य संगीतकारों के साथ भी खूब पसंद की गई। ऐसे ही एक संगीतकार थे रोशन। यूं तो साहिर ने उनके साथ कई फिल्में की पर 1963 में आई फिल्म ताजमहल ने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया और आज भी ताजमहल के गीत लोग भूले नहीं हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो। इस फिल्म के लिए साहिर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। संगीतकार रोशन के साथ उन्होंने कई सदाबहार नगमे दिए, जैसे ना तो कारवां की तलाश है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, और एक यादगार गीत जो आज भी हर दिल अजीज है। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। खयाम के संगीत निर्देशन में साहिर ने जो नगमे लिखे वो आज भी लोगों की जुबां पर कायम है। 1958 में आई फिल्म फिर सुबह होगी का हर एक गीत बेहतरीन था पर वो सुबह कभी तो आएगी सबसे ज्यादा पसंद किया गया। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन
काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा। साहिर ने खयाम के लिए ही 1976 की सुपरहिट फिल्म कभी कभी के गीत लिखे। इस फिल्म के हर गीत ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई जो आज भी कायम है। इस फिल्म के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1971 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। साहिर अपनी शर्तों पर गीत लिखा करते थे। एक बार किसी फिल्म निर्माता ने उनसे नौशाद के संगीत निर्देशन में गीत लिखने की पेशकश की। साहिर को जब इस बात का पता चला कि संगीतकार नौशाद को उनसे अधिक पारिश्रमिक दिया जा रहा है तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। उनका कहना था कि गीतकार के शब्द ही धुनों को वजनी बनाते हैं, इसलिए एक रुपया ही सही, गीतकार को संगीतकार से अधिक पारिश्रमिक मिलना चाहिए। साहिर के प्रयासों से ही आकाशवाणी पर गानों के प्रसारण के समय गायक और संगीतकार के नाम के साथ गीतकार का नाम भी उद्घोषित होना शुरू हुआ। उन्होंने गीतकारों के लिए रॉयल्टी की मांग भी की, जो आगे चलकर मुकम्मल हुई। इतने बड़े शायर होने के बावजूद घबरा जाना, शर्मा जाना या बड़ी जल्दी किसी भी बात पे उकता जाना साहिर का स्वभाव था। साहिर का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ा, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। लेखिका अमृता प्रीतम से उनकी सबसे ज्यादा नजदीकी रही। अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में अमृता प्रीतम लिखती हैं। वो चुपचाप मेरे कमरे में सिगरेट पिया करता। आधी पीने के बाद सिगरेट बुझा देता और नई सिगरेट सुलगा लेता। जब वो जाता तो कमरे में उसकी पी सिगरेटों की महक बची रहती। मैं उन सिगरेट के बटों को संभाल कर रखती और अकेले में उन बटों को दोबारा सुलगाती। जब मैं उन्हें अपनी उंगलियों में पकड़ती तो मुझे लगता कि मैं साहिर के हाथों को छू रही हूँ। इस तरह मुझे सिगरेट पीने की लत लगी। गायिका सुधा मल्होत्रा से भी साहिर का नाम जोड़ा गया। हालांकि कई लोगों का कहना यह भी है कि वो साहिर का एक तरफा प्यार था। कहा यह भी जाता है कि उनका लिखा गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों वास्तव में सुधा मल्होत्रा के लिए लिखा गया था, लेकिन सच ये है कि ये नज्म सुधा से मिलने से पहले ही उनके काव्य संग्रह तलखियां में प्रकाशित हो चुकी थी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। 1960 में सुधा की शादी के बाद साहिर से उनकी फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। साहिर का लिखा एक गीत जिसे सुधा मल्होत्रा ने गाया उन दोनों के संबंधों को शायद सही से बयान करता है। भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तुम मोहब्बत की है। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है। साहिर की जिंदगी में उनकी माँ का किरदार सबसे अहम था। कामयाबी की बुलंदियों को छूने के बावजूद और उम्र के उस दहलीज में पहुँचने के बावजूद वह किसी भी मुशायरे में, किसी भी अवार्ड फंक्शन में अपनी माँ को साथ ले जाना नहीं भूलते थे। लोकप्रियता के शिखर पर पहुँचे साहिर की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब वो धीरे धीरे टूटते चले गए। 1976 में उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया। अपनी माँ के बिना साहिर खुद को अनाथ महसूस करने लगे थे और अकेलेपन में ही रहना पसंद करने लगे थे। अभी वे अम्मी के गम से उभरे भी नहीं थे कि उनके करीबी दोस्त और मशहूर शायर जावेद अख्तर के पिता निसार अख्तर और उनके करीबी दोस्त कृष्णचंद्र भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। 25 अक्टूबर 1980 को ये महान गीतकार शोहरत और अपने साथ जुड़े सारे विवादों को छोड़ इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन वो हर एक पल का शायर उस पल में था, इस पल में है और आने वाले पलों में भी रहेगा। मैं
हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ।